नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार दिया गया है और वहीं पर इसके अलावा चार दूसरे सितारों को आज बरी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1998 का यह मामला है और संजोग की बात है कि जिस दिन ये शिकार हुआ था उसी दिन आज जो है दोषी भी करार दिया गया है, यानी उस दिन भी दिन गुरुवार का था और आज गुरुवार के दिन ही दोषी करार दिया गया है सलमान खान को। सलमान खान की मुश्किलें जो है वो बड़ी हैं। इसके अलावा बाकी चार सितारों को इस मामले में बरी कर दिया गया है, जिसमें सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और साथ ही नीलम इसमें शामिल थी। हालांकि पांचों जो सितारे हैं इनके ऊपर इसके आरोप लगे थे। सलमान खान को दोषी करार दिया गया है तो वहीं बाकी चारों सितारों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें 1 अक्टूबर 1998 का ये पूरा मामला है और साथ ही इस मामले में आज सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा सजा का ऐलान कुछ देर बाद होगा और साथ ही 20 साल बाद इस मामले में अब फैसला आया है। 20 साल बाद दोषी इस मामले में करार दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि चश्मदीदों के मुताबिक 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाड़ी गांव में रात के करीब 2 बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी। सफेद रंग की जिप्सी एक ही इलाके में लगातार घूम रही थी। गांव के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यहां पर शिकारी आधम के हैं और काले हिरण का शिकार वो यहां पर करने की कोशिश में है। तो वहीं आपको बता दें कि बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण और चिंकारे को अपने घर की संतानों की तरह मानते हैं। ऑल द बेस्ट है, सेलिब्रिटी लोग होते हैं तो वापस में कोर्ट में इस टाइप की व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। बाकी न्यायालय का निर्णय इससे कोई प्रभावित नहीं होता। न्यायालय का निर्णय तो जो तथ्य है और गवाहों के ऊपर ही निर्णय होता है। एटमॉस्फेयर किस तरह से रहता है जब सेलिब्रिटी रहते हैं? हाँ, यहाँ भीड़ रहता है, सामान्यता तो सामान्यता चहल पहल सामान्य रहती है। आज थोड़ा विशेष है क्योंकि अब सलमान खान जैसे का मामला है तो थोड़ा विशेष है ये मामला। सलमान खान पर रियायत मिलनी चाहिए क्योंकि सलमान खान बतौर प्रोफेशनल एक्टर ही नहीं बल्कि तो सलमान खान का आज चूंकि मामला है तो ऐसे में कोर्ट के आसपास भी चहल पहल ज्यादा देखी जा रही है। तो वहीं अब कुछ देर बाद इसमें सजा का ऐलान भी होगा। सजा पर बहस जारी है कोर्ट रूम के अंदर और साथ ही आपको बता दें कि दोषी करार दिया गया है सलमान खान को इस मामले में। सलमान खान की मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि 20 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। 20 साल लग गए इस पूरे मामले को दोषी करार देने में और साथ ही सलमान खान को यहाँ पर दोषी करार दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बाकी चारों सितारों को, बाकी चार स्टार्स को जिसमें सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे का नाम शामिल है, इन चारों सितारों को बरी कर दिया गया है। तो वहीं सलमान खान को दोषी करार दिया गया है काले हिरण का शिकार का ये पूरा मामला। जैसे आपने पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं, जैसे आपने हाई प्रोफाइल की बात कही तो हम ये देखते हैं, सभी देखती है कि कोर्ट के लिए कोई भी मामला हाई प्रोफाइल नहीं होता। आम पब्लिक के लिए हो सकता है लेकिन कोर्ट सबको एक नजर से देखता है और जिस तरह से अपना फैसला आया है इसमें दो सिचुएशन बनती है। सलमान खान को अगर 3 साल का पनिशमेंट मिला है तो सजा स्थगन का सीजेएम साहब की कोर्ट से उसको बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा और उसकी रिवीजन जो है ऑर्डर की जो पनिशमेंट है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाएगी। अगर 3 ईयर से अबव उससे ज़्यादा अगर उसको पनिशमेंट मिलता है जेसी जाना पड़ेगा आज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो है जिला सत्र न्यायाधीश विजय जो है रूलर के अंदर उसको बेल बॉन्ड जो है सजा स्थगन के लिए एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, उस पर बहस होगी। अगर वहां से विजय साहब अगर बेल ले लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो टर्म्स है जो बात हो रही है मुद्दों पे जिस तरह से बात की गई है, जिस तरह से एलिगेशन लगे हैं, जिस तरह से चार्जेस क्लेम किए गए, क्या लगता है आपको 6 साल 3 साल से ज्यादा होने चाहिए? वो तो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, हमने फाइल देखी नहीं, केवल सुना, सुनने पर ज्यादा विश्वास नहीं होता। ऑनरेबल है, उन्होंने पूरी फाइल को रीडिंग की होगी और की है, इसमें कोई दोराय नहीं है। जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा और जैसा कोर्ट करेगी अच्छा ही करेगी, इसमें हमारा विश्वास है। ये अलग बात है कि उनके साथी को लेकर सबूत अदालत को पर्याप्त नहीं लगे, ऐसी स्थिति में उनके बरी होने का बहुत ज्यादा एडवांटेज सलमान खान को नहीं मिलता दिख रहा सलमान खान की। और अगर 3 साल से ज्यादा की सजा सलमान खान को दी जाती है तो फिर सलमान खान को जेल जाना पड़ेगा और साथ ही उसके लिए उसके बाद उन्हें जिला अदालत में रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल करनी पड़ेगी। अगर वहां से भी राहत नहीं मिलती है तो हाईकोर्ट का रुख जो है वो सलमान खान को करना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल से कम मिलती है तो जमानत उन्हें इस मामले में मिल सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 स्टार्स पर जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम शामिल है, इन 5ों पर आरोप लगे थे। लेकिन कांकाड़ी गांव के लोगों ने
सलमान खान को तो तुरंत पहचान लिया था, लेकिन बाकी लोगों को संदेह का लाभ मिला है, जिसके चलते चारों को बरी कर दिया गया है, तो वहीं सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। तो कुछ ही देर में सजा का ऐलान भी हो सकता है। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे संवाददाता कुमार रमेश जुड़े हुए हैं। कुमार रमेश, कितना वक्त और लग सकता है अभी सजा के ऐलान में? देखिए, माना जा रहा है कि बस कुछ ही देरों में जो है फैसला आ जाएगा, क्योंकि जो जज हैं वो सुनवाई पूरी करके अपने अपने चैम्बर्स में चले गए हैं, और उसके बाद जो है अब केवल सज़ा का ऐलान बाकी है। थोड़ी देर में सज़ा का ऐलान भी हो जाएगा। और जैसा कि अभी पूर्व के जो वक्ता बता रहे थे, जो वकील बता रहे थे कि अगर 3 साल के लगभग उनको सज़ा होती है तो उनकी थोड़ा सा बेल में आसानी होगी। अगर 3 साल से ऊपर की सज़ा हो गई तो उनको कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और ये मान के चले कि उनकी यहाँ से बेल होनी मुश्किल हो जाएगी, और उनके लिए उसका हाई कोर्ट में मूव करना पड़ेगा। और सूत्र भी बताते हैं कि जो सलमान खान के जो वकील हैं, उन्होंने स्थानीय जो है अपने लोगों को बुला लिया है, और ताकि वहाँ पर उनकी बेल हो सके, क्योंकि ऐसे मामलों में अगर जमानत लेनी पड़ती है तो उसी स्टेट का व्यक्ति होना चाहिए और उसी जिले का व्यक्ति होना चाहिए। तो इस चीज़ों के लिए उन्होंने तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट सज़ा क्या सुनाता है। अगर इसमें प्रावधान जो वन्य जीव संरक्षण के तहत है कि 3 से लेकर 6 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और अगर 3 साल से ऊपर की सज़ा हो गई तो आप मान सकते हैं कि सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और उनको अंतोगत्या जो है हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, और हाईकोर्ट में बेल होती है नहीं होती सस्पेंस है, लेकिन 3 साल से ऊपर की सजा के ऊपर सभी की नजरें बनी हुई है कि आज सलमान खान के साथ क्या होगा। जी कुमार रमेश, क्योंकि 1 साल से लेकर 6 साल तक की सजा जो है इसमें हो सकती है, तो ऐसे में जरूर कोशिश रहेगी कि कम से कम सजा जो है वो सलमान खान को यहां पर दी जाए, क्योंकि 3 साल से ज्यादा होती है तो मुश्किलें होंगी जमानत में, 3 साल से कम होती है तो जमानत जो है वो आसान रहेगी। तो ऐसे में किस तरह की दलीलें जो है वो दी जा रही है दोनों पक्षों की ओर से, सरकारी वकील की ओर से भी और साथ ही सलमान खान के वकील की ओर से भी, ताकि सजा कम से कम हो, क्योंकि सजा पर बहस जारी है कोर्ट में। देखिए वंतिका, 3 साल से अधिक की सज़ा की मांग जो है वो सरकारी वकील कर रहे हैं। सरकारी वकील साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने कई मामले किए हैं, और आप इनको देखिए ये आदतन जो है ऐसे करते रहते हैं, तो ज़रूरी है कि ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कभी इस प्रकार की वारदात न कर पाएँ। क्योंकि इन्होंने जो पूर्व के जो मामले हैं वो भी गिनवाए, और पूर्व के मामले गिनवाने के बाद जो है स्थिति उन्होंने स्पष्ट की, और ये बताया कि इनको सज़ा कड़ी से कड़ी देनी चाहिए। तो वकील की तो यही मांग है कि इनको अधिकतम सज़ा यानी लगभग 6 साल की सज़ा हो, लेकिन ये न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो सज़ा कितने साल सुनाते हैं। ये माना जा रहा है कि अगर 3 साल की सजा हुई तो उनकी बेल हो जाएगी, और 3 साल से अधिक जाती है, लेकिन सजा कितनी भी सुनाई जाए निश्चित रूप से सलमान खान को इस फैसले को जो है सेशन कोर्ट के अंदर चुनौती देनी होगी। तो कितनी साल का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ऐसे सेंसिटिव इश्यू में, जब काफी लंबे समय से ये प्रोसीडिंग चल रही है, ऑलमोस्ट 20 ईयर हो चुके हैं, बाकी लोगों को बरी कर दिया, उनको कन्विक्ट करा दिया। तो जी ये तो सजा का आधार ये नहीं हो सकता कि कितने साल तक इसका ट्रायल चला है, लेकिन मैं ये बता दूं कि इससे पहले जो चिंकारों के मामले रहे हैं, उस एक पहले मामले में सलमान खान को दोषी करार देने के बाद उनको 1 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी तरह से जो दूसरा मामला था उसमें 5 साल की सजा सुनाई गई थी, कठोर कारावास जो है सुनाया गया था, और निश्चित रूप से शिकार के मामले देखे तो ये तीसरा शिकार का मामला है। तो कहीं नहीं लगता कि अदालत जो है कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा सजा के बिंदु पर। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो क्या सलमान खान इस सजा से बच सकते हैं, बेल मिल सकती है उन्हें क्या? अगर देखिए सजा से तो नहीं बच सकते, अब प्रश्न ये रहा है कि जेल जाने से बच सकते हैं या नहीं। तो यदि 3 साल से कम की सजा होती है तो निश्चित रूप से उनको जमानत इसी अदालत से मिल जाएगी, और यदि उनको 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो आज उन्हें केंद्रीय कारागृह में जाना ही पड़ेगा, उसके बाद अपील करेंगे मंडे तक रहेगा टाइम। जी 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 अपना नाम बता दीजिए। अशोक जोशी। तीसरा मामला है जिसमें सलमान खान को दोषी करार दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि सजा कितनी सलमान खान को दी जाती है, क्योंकि भले ही 20 साल लग गए लेकिन इस मामले में अब दोषी जरूर सलमान खान को करार दिया गया है कोर्ट की ओर से, लेकिन सजा जो है वो कितनी मिलती है ये जरूर देखना होगा। इस पर निगाहें सभी की है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार दिया गया है, करीब 20 साल बाद यह फैसला आया है, और साथ ही सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। अब सजा सलमान खान को कितनी मिलती है इस पर नजरें सभी की बनी हुई है, और उसके साथ
की सजा पर बहस खत्म हो गई है कोर्ट रूम के अंदर। कुछ ही देर में सजा पर फैसला आ सकता है। 1 साल से लेकर 6 साल तक की सजा आज सलमान खान को हो सकती है। हालांकि कोशिश उनके वकील की तरफ से यही है कि कम से कम सजा जो है वो सलमान खान को मिले और 3 साल से कम की सजा जो है वो कम से कम मिले, क्योंकि अगर 3 साल से कम की सजा सलमान खान को मिलती है तो ऐसे में जमानत लेनी आसान रहेगी और अगर 3 साल से ज्यादा की सजा सलमान खान को मिलती है तो फिर हाईकोर्ट तक का रुख जो है वो सलमान खान को करना पड़ सकता है। जमानत जो है वो मुश्किल हो जाएगी, यानी 3 साल से ज्यादा की सजा अगर मिलती है सलमान खान को तो फिर उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। और इसी पर सबकी नजरें हैं कि क्या सलमान खान जेल जाएंगे या फिर जेल जाने से बच जाएंगे, क्योंकि सजा तो होगी ये निश्चित है। सजा जो है वो जरूर होगी 1 साल से लेकर 6 साल तक की, क्योंकि दोषी करार दिया गया है सलमान खान को। वन्य जीव संरक्षण जो है इसकी धाराएं लगी, और इसके अलावा इस मामले में अब सलमान खान जेल जाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि सजा अगर 3 साल से कम होती है तो सलमान खान को जमानत जो है वो आसानी से अभी मिल सकती है, लेकिन अगर सलमान खान को 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर सलमान खान को हाईकोर्ट तक का रुख करना पड़ सकता है। ऐसे में कोशिश यही है उनके वकील की तरफ से कम सजा जो है वो सलमान खान को मिले। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार रमेश न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार रमेश, कोर्ट रूम के अंदर सजा पर बहस जो है वो खत्म हो गई है, क्या और अपडेट है इस पर? कुमार रमेश, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आप बोलिए जी। कुमार रमेश, कोर्ट रूम के अंदर सजा पर बहस खत्म हो गई है, कितना और इंतजार अभी फैसले पर है? ये माना जा रहा है कि लगभग थोड़ा सा इंतजार बाकी रह गया, क्योंकि सजा पर बहस खत्म हो चुकी है और जो जज साहब हैं वो अपने चैम्बर में चले गए हैं और अभी बस थोड़ी देर बाद आएंगे तो वो सजा का ऐलान करेंगे और जो सजा की जो कॉपी है, जो भी जितनी भी साल की सजा होगी उसकी कॉपी पकड़ाई जाएगी सलमान खान को और उनके वकील को कि आपको ये सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उनसे पूछा जा चुका है कि क्या आप दोषी हैं, इन चीज़ों के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इन चीज़ के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। अब सजा की एक कॉपी पकड़ाई जाएगी उनको और बताया जाएगा कि कितने साल की सजा सुनाई गई है, और उसके आधार पर अगर सजा 3 साल की हुई तो साथ ही जो बेल बॉन्ड भर करके उनके वकील जो है उनकी जमानत ले लेंगे, अगर सजा ज्यादा हुई तो उनको तुरंत जो है उसके ऑर्डर की कॉपी लेकर के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हाईकोर्ट में पहुंच करके वो बेल अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि हम जो है इस फैसले को स्वीकारते नहीं और हमें आगे अपील करनी है कोर्ट में, तो वो हाईकोर्ट निर्णय लेगा कि उस मामले पर वो कितना गंभीर है और मामले को किस तरीके से देखता है कि उनका बेल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो हाईकोर्ट करेगा। लेकिन सभी का इंतजार यही है कि 3 साल से सजा का 3 साल के लगभग सजा होती है या 5 साल या 6 साल सजा होती है, ये देखना दिलचस्प है। इसीलिए सभी की निगाहें बनी हुई कि जैसे कोर्ट रूम से जज साहब दोबारा अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए और देखते हैं क्या सजा सुनाते हैं। जी कुमार रमेश, इसके अलावा भले ही 20 साल लगे इस पूरे मामले में दोषी करार दिए जाने में कि आखिर इसमें दोषी कौन है ये तय करने में भले ही 20 साल लगे, लेकिन जरूर एक चाहे ये संदेश जो है वो जरूर गया है कि आप कितने भी बड़े सितारे क्यों ना हो लेकिन कानून जो है उससे नहीं बच सकते आप। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है और जिनकी भी न्यायिक प्रक्रिया में जो विश्वास है उनका और लोगों का बढ़ा है, क्योंकि अमूमन ये रहता है कि लोग ये मानते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, रुतबे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार की जब सजा होती है तो आप ये मानिए कि लोगों में विश्वास होता है कि न्यायिक प्रक्रियाओं में अभी भी भ्रष्टाचार नहीं है और वहाँ पर निष्पक्ष रूप से जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है कि होती है। और क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, काले हिरण का शिकार हुआ, बिश्नोई समाज ने शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने बताया सारा मामला और उसके बाद सुनवाई हुई, यानी कि जो हिरण मरा, हिरण ने तो गवाही दी नहीं, ठीक है, लेकिन गवाही जिन्होंने दी उसके आधार पर अगर एक एक जानवर के मामले में इतनी बड़ी सजा होती है और इतनी बड़ी सुनवाई हुई और 20 साल में आखिरकार सजा मिली, तो ये अपने आप में कानून की जीत है और कानून पर विश्वास करने वालों की जीत है, क्योंकि ताकि कभी आने वाले भविष्य में इस प्रकार के जो सितारे हैं वो ऐसी आपराधिक घटनाएँ ना करें जिससे जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का मजाक उड़े। तो इसी चीज़ों के लिए जो आज फैसला आया उसको सभी लोग सरपरि मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि ऐसा फैसला कहीं ना कहीं जो है मनोबल बढ़ाता है और जिन लोगों का कानून में विश्वास है उनका और भी बढ़ता है कि देर से ही मिले लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। जी, देर से ही मिला भले लेकिन इंसाफ जो है वो जरूर यहां पर मिल रहा है। लेकिन कुमार रमेश, इसके साथ ही बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा झटका बॉलीवुड के लिए होगा अगर सलमान खान को 3 साल से ज्यादा की सजा, यानी कि सलमान खान अगर जेल आज जाते हैं तो?
देखिए अवंतिका, सलमान खान को अगर सजा होती तो आप मान के उनकी आने वाली 2-3 फिल्में हैं वो थोड़ा सा बाधित होंगी, क्योंकि अभी उनकी शूटिंग भी चल रही है और इस मामले में अगर उनको सजा हो जाती है तो उनकी शूटिंग बाधित है, क्योंकि उनके एग्रीमेंट्स हैं कई फिल्मों के साथ और आप समझते हैं कि उनकी जो फिल्में होती हैं हाई बजट्स की फिल्में होती हैं, तो अगर उनको सजा हो गई तो उनकी फिल्मों पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। और ऊपर दूसरी बात कि उनकी फिल्मों का जो TRP है वो जो उनका देखने के जो दर्शकों की संख्या जो उनका रेवेन्यू है उसके कलेक्शन पर भी असर पड़ेगा, तो जो उन पर जितने भी प्रोड्यूसर ने फिल्म में पैसा लगाया वो नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी सजा हो कि उनको नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की बॉलीवुड में जो स्थिति है उनको देखते हुए भी सभी की निगाहें बनी हुई है, प्रोड्यूसर भी देखना चाहते हैं कि आज सजा के ऐलान में क्या होता है, क्योंकि देखिए दोषी करार दे दिए गए तो सजा तो होनी है, पक्का तय है कि 3 साल मिनिमम जो सजा का प्रावधान है 3 साल तो होगी। 3 साल से अधिक कितनी होती है इस पर हर प्रोड्यूसर की नज़र बनी है, और क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो पैसा आता है वो कई 1000 करोड़ रुपए के हिसाब से इनकम का सोर्स है उनका, उनको पता है कि उनकी फिल्में जो है लगभग ही फिल्में हिट रहती हैं, फ्लॉप बड़ी छोटी छोटी फिल्में होती हैं। तो आज सभी प्रोड्यूसर की नज़र बनी हुई है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उनके ऊपर कि सलमान खान के साथ क्या होता है। जी, न सिर्फ प्रोड्यूसर्स की बल्कि पूरे देश की नजरें जो है आज इस फैसले पर है। सलमान खान के चाहने वालों की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन पूरा देश आज टकटकी लगाए देख रहा है कि उनके जो सितारे हैं आखिर जब वो अपराध करते हैं तो कानून तो वहां पर दोषी उनको देगा ही करार, लेकिन साथ ही सजा जो है उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन इसके साथ ही कुमार रमेश, क्योंकि बाकी जो 4 सितारे थे, सैफ अली खान हो, तब्बू हो, चाहे इसमें फिर नीलम हो या फिर साथ में सोनाली बेंद्रे हो, इन सभी को संदेह का लाभ जो है वो भी मिला है, क्योंकि सलमान खान को तो कांकड़े गांव के लोगों ने पहचाना लेकिन बाकी सभी जो सितारे थे वो संदेह के लाभ जो है मिलकर वो बरी हो गए हैं। तो ऐसे में क्या इस बात को भी सामने रखा जाएगा? देखिए बिल्कुल, मैंने प्यार किया फिल्म से हिट हुए सलमान खान जब भी फिल्मों में आए तो भी उनकी फिल्में बड़ी हिट रहीं, दबंग फिल्में जैसी जो सुपर हिट फिल्में रहीं और बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन किया। उसके अलावा भी जो हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में जब आईं तो उससे लोगों में पहचान बनी, एक सामाजिक रूप से उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो लोगों तक पहुँची और लोगों ने उनको पहचानना शुरू किया, और यही जो चीज़ था वो उनको जो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है मान के चले कि उनको फंसा गया, जो लोगों ने कहा कि वो उनको पहचान गए तो वो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि उनकी जो हिट फिल्में थी वो लोगों ने देखी हैं तो उनके पहचानना बड़ा आसान था। और जहां तक सोनाली बिंद्रे और ये बाकी लोगों की बात है, उनकी फिल्में भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी फिल्में नहीं आती, लेकिन जो प्रसिद्धि के मामले में ये लोग सलमान खान से बहुत पीछे हैं और सलमान खान बहुत आगे, इसीलिए सलमान खान को पहचान लिया और कहीं ना कहीं संदेह का जो लाभ बाकी लोगों को मिला और जो लोग बच गए। आप ये देखिए कि जबकि FIR में सलमान खान का डायरेक्ट नाम नहीं था लेकिन संदेह के घेरे में थे वो और लोगों ने पहचान लिया, इसी कारण वो फंस गए और तभी जो है दोषी करार दे दिए गए और 3 से लेकर 6 साल की सजा के जो प्रावधान के बीच में उनकी अभी की सुई अटकी हुई है। अभी जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं उस पर सबकी नजरें बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए जो प्रसिद्धि है वो भी कहीं ना कहीं उनके आज सजा का सबसे बड़ा कारण बनी है। जी, उनकी प्रसिद्धि जो है वो भी बिल्कुल यहाँ पर सजा का जो है कारण बनी है, क्योंकि लोगों ने पहचाना और इसीलिए मुमकिन हुआ कि सलमान खान को इस मामले में दोषी जो है वो करार दिया गया है। लेकिन कुमार रमेश, इसके साथ ही अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, यानी कि सलमान खान अगर जेल जाते हैं, तो ऐसे में हाईकोर्ट में वो कितने समय के बाद अपील कर सकते हैं और कितने समय तक उन्हें जेल में जो है रहना पड़ सकता है, यानी हमारा जो है वो कितने समय में कम से कम उन्हें मिल सकती है? देखिए, जो वकील हैं, जो कानूनी मामलों के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि 3 साल के से अधिक होने सजा होने पर वो तुरंत जो है बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे हाई कोर्ट में, और क्योंकि जो सजा की जो कॉपी है, जो ऑर्डर है, जो क्वांटम ऑर्डर है वो उनके हाथ में होगा, साथ ही अपील लगाएंगे वो कि इस प्रकार की ऐसी करके बात है और उसमें जो है उनको जो दोषी करार दिया है, उनको जो सजा सुनाई गई है वो गलत है, उसके लिए वो आगे अपील करना चाहते हैं, उनको तुरंत बेल मिलनी चाहिए। और जो पूर्व के मामले हैं उनमें उनको बेल मिली है कई मामलों में भी, तो ये उनके वकील आश्वस्त हैं कि आज भी अगर यहाँ से बेल नहीं हुई तो कम से कम हाई कोर्ट से उनकी बेल हो जाएगी और शायद वो सलाखों के पीछे ना जाएं, शायद वो जेल में रातें ना काटें। लेकिन अभी ये जल्दबाजी होगी, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोर्ट क्या सजा सुनाती है, उसके बाद वो हाई कोर्ट में मूव करते हैं तो वहां पर क्या निर्णय आता है ये अभी देखना होगा। जी कुमार रमेश, इसके साथ ही खास बात ये कि तीसरा ये मामला है शिकार का जिसमें सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल, तीसरे मामले में ही तभी तो उनके वकील ने, सरकारी वकील ने कहा कि ये आदतन जो है इस प्रकार की वारदातें करते हैं तो इनको छोड़ा जाना नहीं चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जो है आगे भी जो भी हो कार्रवाई करनी चाहिए। जी, तो जरूर इस मामले में आगे भी जो कार्रवाई है, अगर ऐसे मामले में अगर स्टार जो है वो दोषी पाए जाते हैं तो जरूर वहां पर जो है कानून जो है वो पूरी सजा दे रहा है और यही जो है साबित भी हुआ, क्योंकि तीसरा मामला है जिसमें सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। हालांकि कुमार रमेश, सुबह से ही देखा जा रहा था कि उनके चाहने वाले जो है वो दुआएं कर रहे थे, तमाम सेलिब्रिटी जो है वो मंदिरों तक भी पहुंचे कि सलमान खान के लिए दुआएं की जा सकें, आज वो बरी हो जाए, लेकिन काम नहीं आई दुआएं।
देखिए बंतिका, अभी अभी जानकारी मिली है कि लगभग उनको 2 साल की सज़ा जो सुनाई गई है और अभी पुष्टि होनी बाकी है क्योंकि जो वकील बाहर निकल के आएंगे तो वो बताएंगे। तो इस बीच बड़ी खबर, आपको बता दें कि 2 साल की सजा सलमान खान को सुनाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त, सलमान खान को दोषी की करार दिए जाने के बाद अब 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है सलमान खान को। काला हिरण के शिकार का ये पूरा मामला है और 1 अक्टूबर 1998 का ये पूरा मामला है। इस मामले में 20 साल बाद सजा दी गई है। हालांकि 20 साल लंबा जो है वक्त लगा इस मामले में फैसला आने में, 20 साल लंबी ये पूरी कार्रवाई चली, 20 साल बाद फैसला आया, लेकिन 2 साल की सजा जो है सलमान खान को मिली और साथ ही सलमान खान जमानत भी सलमान खान को अब जो है वो मिल जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि काला हिरण के शिकार का ये पूरा मामला है, 5 सितारों के ऊपर इसके आरोप लगे थे जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे और नीलम इसमें शामिल थे, लेकिन 4 जो दूसरे सितारे हैं उनको संदेह का लाभ मिला और साथ ही सभी बरी हो गए। सलमान खान को दोषी इसमें करार दिया गया, लेकिन 20 साल बाद, 20 साल के लंबे इंतजार के बाद जो फैसला आया उसमें 2 साल की सजा जो है वो सलमान खान को दी गई है। और ऐसे में अब सजा जो है उसका ऐलान भी हो गया है कोर्ट की तरफ से। हालांकि पूरा देश आज नजरें जो है बनाए हुए था इस पूरे मामले पर, क्योंकि 20 साल बाद इस पूरे मामले पर फैसला आना था और कितनी सजा जो है वो दी जानी है सलमान खान को। सबकी नजरें इस पर थी, अगर 3 साल से ज्यादा की सजा दी जाती तो सलमान खान को जेल आज जाना ही पड़ता, लेकिन सलमान खान अब जेल जाने से बच जाएंगे, जमानत जो है वो सलमान खान को मिल जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि अब सलमान खान को 2 साल की सजा जो है, 2 साल की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया है। हालांकि तरह तरह की दलीलें जो है वो दी गई और साथ ही दोनों पक्षों की ओर से, सरकारी वकील की तरफ से भी और साथ ही सलमान खान के वकील की तरफ से भी, सलमान खान को कम से कम सजा मिले इसके लिए तमाम तरह की दलीलें जो है वो दी गई। और लेकिन अब इसके बाद में सजा का ऐलान हो गया है, 2 साल की सजा जो है वो सलमान खान को मिली है। 20 साल लंबे इंतजार के बाद अब 2 साल की सजा सलमान खान को दी गई है। जोधपुर में काला हिरण शिकार मामला है जिसको लेकर बड़ा फैसला आया। नो, आई कैन टेल यू, मैं ये बता नहीं सकता बिकॉज जजमेंट तो हम कॉपी अप्लाई करी है, अभी सिर्फ उन्होंने लास्ट के ऑपरेटिव पोर्शन को पढ़ के सुनाया है और संदेह के आधार, संदेह का लाभ देते हुए उस बेसिस पे, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उस बेसिस पे उन्होंने एक्विटल करा है, तो जजमेंट के अंदर क्या रीजनिंग है वो तो मेरे को जजमेंट की कॉपी मिलेगी तब मालूम पड़ेगा। पर अल्टीमेटली ये कहना है मुझे कि 20 साल बाद में सच्चाई की जीत हुई है और हम लोग वापस छूट गए। हाँ, सबकी नजरें बनी हुई थी तो आप, वो तो आप लोगों की बदौलत था, हाई प्रोफाइल किस तरह का माहौल था, जैसे एक्विटल किया गया आपके क्लाइंट को? चुप्पी थी, कम्प्लीटली चुप्पी थी, बिल्कुल चुप्पी साधे थे, सब टेंस थे, सारे वकील, सारे क्लाइंट्स, सब लोग वेट कर रहे थे एंटिसिपेशन में, डर में टू सम एक्सटेंट कि भाई क्या होगा। एंड अल्टीमेटली जैसे ही कन्विक्शन हुआ तो जिस बात के डर रहे थे वो सामने आ गया उनके। तो सलमान खान की बात करें तो ओवरऑल पूछा जाए तो किस तरह से अभी सलमान खान की आगे कार्रवाई होगी, प्रोसीडिंग की बात करें? नहीं, अब सलमान का आप डिटेल तो सारे हिसाब से पूछे, बट अभी चूंकि कन्विक्शन हो चुका है तो अब सेंटेंसिंग पार्ट के ऊपर उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुन लिए हैं। अब सेंटेंस अगर वो, जहाँ तक मेरे को समझ, एज लॉयर अगर 3 साल से कम की देते हैं तो सलमान खान आज ही जमानत पे मुक्त होकर जा सकेंगे क्योंकि वो जमानत पहले ले लेंगे, और 3 साल से ज़्यादा सजा दी तो फिर उनको अपील करके लेना पड़ेगा, एक बार उसमें टाइम लगेगा। तब उसे आपकी बात हुई जैसे किस तरह का उनका भाव था? उन्होंने सिर्फ बधाई बोला, बाकी इतनी टाइम और इतनी जगह नहीं थी अंदर, कहीं कहीं निराश थे क्योंकि सलमान खान को कन्विक्ट। हाँ डेफिनेटली, वो सबके लब साथ में खड़े थे और इनफैक्ट कोर्ट ने उनको कहा कि भाई आप लोग जा सकते हैं क्योंकि इनको सजा देनी है, तो इनको सजा पे मैं सुनूंगा और इसके ऊपर सजा के ऊपर ऑर्डर पास करूंगा, बाकी को स्पेसिफिकली कोर्ट ने कहा था आप जाएं, लेकिन वो सब साथ खड़े थे। थैंक यू। तो 20 साल बाद फैसला आया है इस मामले में, 1 अक्टूबर 1998 का ये पूरा मामला है। 20 साल बाद इस मामले में फैसला आया कोर्ट का, दोषी सलमान खान को दिया गया और साथ ही 20 साल बाद 2 साल की सजा का ऐलान सलमान खान के लिए किया गया। ख्याल है, मैं तो विचारी देश में जब तक सजा नहीं आ सकती, अगर इनको 3 साल से कम होती है तो यहाँ पर इनकी बेलअबी हो जाएगी, और अगर 3 साल ज़्यादा होती है तो सेशन कोर्ट, और उससे ज़्यादा होती है तो हाई कोर्ट टू गो फॉर दी बेल। पर बहुत इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अफसोस की बात है कि उनको सजा हो गई, और इज अ वेरी नाइस मैन, इज अ स्टार, इज अ सुपर स्टार, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, इज एवरीथिंग फॉर द इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, दे आर वेरी हैप्पी, और एटलीस्ट किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने आज तक इनके साथ पैसा खोया नहीं है, और लोग इनकी वर्शिप भी करते हैं, लोग इनकी पूजा भी करते हैं, और लोग इनको पसंद बहुत करते हैं। लेकिन जहाँ तक
कोर्ट का सवाल है, कोर्ट तो भगवान है, जो भी कोर्ट बोलती है वी हैव टू एग्री। अगर इनकी जमानत हो जाती है तो फाइनल सजा तक ये हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसको कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। तो जैसे लोग बोली जा रहे हैं कि जी फिल्मों का नुकसान होगा, फिल्मों की डेट बढ़ जाएंगी लेकिन फिल्मों को उनका नुकसान नहीं होगा, जो भी फिल्में रिलीज होने वाली हैं या भी फिल्में इनकी जो बन रही हैं। जैसे संजय दत्त था, संजय दत्त के साथ मैंने पुलिसगिरी बनाई थी और संजय दत्त को भी हाई कोर्ट से बहुत टाइम पहले सजा हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और उसके अंदर कुछ समय लगा था, उस समय के अंदर उन्होंने बहुत से पीछे कर ली थी। क्योंकि आज अगर मैं जो बोल रहा हूँ लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट एज अ फिल्म मेकर आई एम सेइंग दिस, एज अ फिल्म मेकर, एज अ इंडस्ट्री पर्सन मुझे बहुत अफसोस है कि सलमान के साथ ये हो रहा है। पर जहाँ तक प्रोड्यूसर्स का है और फिल्मों का है, जो फिल्में बनने वाली हैं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि वो पीछे कंप्लीट होंगी। एज अ पर्सन मुझे इस चीज़ का बहुत 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 अफसोस है, और क्योंकि मैंने तो उनकी 2-3 पीछे फाइनेंस भी की है और इनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। संदेह का लाभ इनको भी मिलना चाहिए था जैसे उनको मिला है। प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि नेक दिल इंसान है सलमान खान और कभी भी इंडस्ट्री को जो है, यहाँ पर फिल्म मेकर्स को जो है कोई नुकसान सलमान खान के साथ फिल्म बनाने पर नहीं हुआ है, यानी कि सलमान खान जो है सबके चहेते हैं। लेकिन साथ ही समझना ये भी होगा कि अगर कोई अपराध करेगा, अगर कोई दोषी होगा तो फिर कानून जो है वो भी यहां पर पीछे नहीं हटेगा, और ऐसा ही हुआ। 20 साल बाद भले ही फैसला आया लेकिन 2 साल की सजा जो है वो सलमान खान को जरूर, यहां पर सलमान खान को 2 साल की सजा का ऐलान किया गया है, कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा दी गई है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि सलमान खान को अब जेल नहीं जाना पड़ेगा और सलमान खान को यहीं से जमानत भी मिल जाएगी, सलमान खान को जमानत मिल जाएगी और वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे। 2 साल की सजा का ऐलान जो है वो सलमान खान के लिए किया गया है। बाकी 4 जो स्टार्स थे, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम, इन सभी को संदेह का लाभ मिला है लेकिन सलमान खान को दोषी करार इस मामले में दिया गया और 2 साल की सजा का ऐलान सलमान खान को किया गया है। इसके साथ ही अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती तो सलमान खान को जरूर जेल जाना ही पड़ता और उसके बाद में जो है सेशन कोर्ट और उसके बाद में हाई कोर्ट का रुख जो है वो सलमान खान को करना पड़ता। लेकिन अब सलमान खान को चूंकि 3 साल से कम सजा हुई है, 2 साल की महज सजा हुई है, तो ऐसे में सलमान खान आज कोर्ट से ही जमानत पर रिहा हो जाएंगे, सलमान खान को जमानत मिल जाएगी और साथ ही सलमान खान को जेल अब नहीं जाना पड़ेगा। 20 साल बाद काले हिरण के शिकार मामले में यह फैसला आया है। और इस बीच हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता कुमार रमेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। कुमार रमेश, 20 साल बाद इंतजार था, 20 साल बाद फैसला आया, 2 साल की सजा जो है वो सलमान खान को हुई है। देखिए बिल्कुल, वाकई 20 साल के बाद जो है सारा केस बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचा और उसके बाद 2 साल की सज़ा का ऐलान हुआ है और 2 साल की सज़ा तो ये साफ हो गया कि सलमान खान अब जेल में नहीं जाएंगे और उनकी बेल यहीं हो जाएगी। लेकिन इसका जो ट्रायल है वो आगे भी चलेगा क्योंकि जो है 2 साल की सज़ा तो सुनाई गई है, क्योंकि उस 2 साल की सज़ा को ख़त्म करने के लिए वो आगे भी इसकी अपील करेंगे और ये उनके लिए बड़ी राहत की बात है और जो प्रोड्यूसर है उनके लिए बड़ी राहत की बात है कि उनको फिलहाल जेल में जाना नहीं पड़ेगा, जो उनकी फिल्में हैं वो बस्तूर जारी रहेंगी और वो ताकि अपनी फिल्मों में काम कर सकेंगे और प्रोड्यूसर का लगा हुआ पैसा जो है वो ख़राब नहीं होगा और ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, वहीं जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो भी मानते हैं कि कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे लोगों को सज़ा तो होनी चाहिए ताकि कम से कम उनको लगे कि अपराध अगर हम करेंगे तो सज़ा जरूर होगी। देखिए सज़ा भले ही कम हुई है लेकिन सज़ा जरूर हुई है, दोषी आपको साबित किया गया है कुमार रमेश। और साथ ही सलमान खान को यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर भले ही 20 साल लगे लेकिन अंत में बिश्नोई समाज की तरफ से जो बात कही गई थी, जो दोष यहां पर लगाए गए थे वो जरूर साबित हुए हैं। देखिए बिल्कुल, बिश्नोई समाज ने कहा था कि जो है वो पहचान गए हैं क्योंकि वो सलमान खान थे जिन्होंने जो है वहाँ पर शिकार किया और जो बाकी लोग थे वो उनको पहचानते नहीं कि वो लोग कौन थे। तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि प्रसिद्धि का शिकार हो गए वो और प्रसिद्धि के चक्कर में पहचाने गए और इसी कारण जो है उनको 2 साल की सज़ा मिली, क्योंकि FIR में डायरेक्टली उनका नाम नहीं था कि इन्होंने ऐसा ऐसा करके अपराध किया और यही कारण था कि उनके पहचाने जाने के ऊपर जो है सारी कार्रवाई चली और 20 साल बाद जो है आज आकर के 2 साल की सज़ा हुई है उनको। और 2 साल की सज़ा
के बाद ही अभी इसमें जो है उनको यहीं से बेल मिल जाएगी और उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो आगे का प्रोसीजर है वो आगे का प्रोसीजर जारी रहेगा, उनको आगे कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और जो 2 साल की सज़ा है उसको चैलेंज करना पड़ेगा, और ताकि वो आने वाले समय में वो भी सज़ा जो है ख़त्म कराई जा सके और वहाँ पर ये साबित करेंगे कि दरअसल मैं वहाँ पर डायरेक्टली नहीं था और जिन्होंने पहचाना उसमें कहीं ना कहीं गलती है। और जबकि क्योंकि उससे पहले भी कोर्ट में उन्होंने सलमान खान ने साफ तौर पर कहा कि उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष हैं, लेकिन जो उनके पहचाने जाने की बात थी इस पर कोर्ट ने उनको सजा सुनाई और 2 साल की सजा का जो है ऐलान कर दिया। जी कुमार रमेश, क्या अब जो 2 साल की सजा है उसको खत्म कराने के लिए सेशन कोर्ट का रुख जो है वो सलमान खान करेंगे, और साथ ही कितने समय के अंदर जो है वो आगे जो है दूसरी अदालत का रुख कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज उनको सजा की कॉपी मिल गई और इसके बाद जो है वो अगली कोर्ट का रुख करेंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इस कदर जो ये मामला था और इसमें 2 साल की सज़ा हुई है तो इस पे आगे सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली दोषी नहीं है और क्योंकि जो उनको दोष करार दिया गया है वो दरअसल उन जो है पहचाने जाने का जो मामला है वो गलत है उसमें, और क्योंकि FIR में उनका नाम नहीं था और उनको किसी ने सही तरीके से देखा नहीं, और कहीं ना कहीं जो इन चीज़ों को लेकर के प्ले ग्राउंड तैयार करके वो आगे कोर्ट में अप्लाई करेंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी और उसके बाद फिर आगे और कितने साल लंबा चलता है ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि बिश्नोई समाज के लिए बड़ी खबर कि वो उनकी शिकायत पर उनके पहचाने जाने पर 2 साल की सज़ा का ऐलान हुआ, लेकिन सलमान खान के लिए बड़ी राहत की बात है कि उनको अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, आगे कोर्ट में प्रोसीडिंग करा करके वो अपने मामले को आगे भी ले जा सकते हैं और देखना दिलचस्प होगा आगे इसमें क्या फैसला जी है। बड़ी राहत सलमान खान के लिए क्योंकि जेल नहीं जाना पड़ेगा, जमानत उन्हें कोर्ट से ही मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ ही बिश्नोई समाज की जीत जो है यहाँ पर देखी जाएगी। इसके साथ ही कुमार रमेश, क्या बिश्नोई समाज की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आई हैं? बिल्कुल, बिश्नोई समाज ने कहा कि उनको कानून पर विश्वास है और इसीलिए उन्होंने जो है कानून का दरवाजा खटखटाया और उनको लगता है कि कानून के संबंध में काम करेगा, और कानून ने वाकई जो है 2 साल की सजा सुना करके ये तो साबित कर ही दिया कि भले किसी ने जो भी अपराध किया वो बख्शा नहीं जाता, देर सवेर जो है उसके दंडों की जो है जो भी उसने उत्पात किया, जो भी उसने कार्य किए हैं, जो भी उसने अपराध किया उसकी सज़ा जरूर मिलती है। तो ये तो संदेश तो कहीं ना कहीं गया है और इस मामले में ये जरूर माना जा रहा है कि चाहे व्यक्ति छोटा हो चाहे व्यक्ति बड़ा हो, कितना बड़ा स्टार हो, लेकिन अगर उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया है, अगर उसने कोई अपराध किया तो उसको सज़ा मिलती है। और बिश्नोई समाज को ये लगता था कि भी कहीं ना कहीं वो बच जाएंगे, लेकिन जब कानून की तरफ से इस प्रकार का फैसला आया, कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला सुनाया, तो अब बिश्नोई समाज को भी लगता है कि कानून में ये ऐसा जो है हाई लेवल और लो लेवल का कोई मामला नहीं है, चाहे सितारे हों चाहे एक आम आदमी हो, जिसने दोषी जिसने जो भी अपराध किया है, जिसने जिस प्रकार का जो दोषी है उसको कार्रवाई कर उसको सज़ा मिलती है। तो इस प्रकार के मामले से उनका विश्वास बढ़ा है और अभी जाहिर तौर पर इन सारे मामलों के बाद वो लोग भी मीडिया से बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ अपना व्यक्तित्व अपना बयान जरूर जारी करेंगे। जी कुमार रमेश, इसके साथ ही जिस तरह की दलीलें इंडस्ट्री की ओर से दी जा रही हैं कि सलमान खान जो है वो नेक दिल इंसान है, सलमान खान के व्यवहार को लेकर कि बेहतरीन व्यवहार उनका है, किसी के साथ में सभी के साथ में जो है अच्छा व्यवहार सलमान खान का है, तो ऐसे में ये दलीलें भी जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं ये दलीलें भी कोर्ट के सामने बेअसर साबित होती हैं, ये भी साफ हो गया है? कुमार रमेश, यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो गया है कि चाहे नेक दिली की कितनी भी दलीलें क्यों ना दी गई हो सलमान खान को लेकर, कि भले ही कितने भी नेक दिल हो और कितना भी उन्होंने समाज के लिए काम किया हो, लेकिन जब कोर्ट की बात आती है, जब कानून की बात आती है, तो ये दलीलें सभी बेअसर साबित होती हैं। देखिए, नेक दिल होना, किसी के लिए समाज की भलाई के लिए काम करना, ये कतई इजाज़त नहीं देता कि आप अपराध करें। आप 100 बच्चों को भोजन खिलाएं और 100 बच्चों को एजुकेशन दें, उनके लिए सारी चीज़ें की व्यवस्था करें, और उसमें से एक बच्चे पर आप अत्याचार करें और उसको मार दें, तो और आप कहें कि मैं तो बाकी बच्चों के साथ जो है कितना समाज सेवा और समाज से हट करके काम कर रहा हूँ, उनको उनके उत्थान के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन अपराध तो अपनी जगह अपराध है, और ये कह देना कि वो समाज सेवा का काम करते हैं और लोगों के लिए भलाई का काम करते हैं और अपराध भी करते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अगर आप समाज सेवा करते हैं वो आपकी दरिया दिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध करें और आपको छोड़ दिया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर के जो दलीलें दी जा रही हैं वो स्पष्ट हैं कि जो कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा भी समाज सेवा करता हो और अपराध करेगा, तो उसको उस अपराध की सजा जरूर मिलेगी, ये कानून में प्रावधान भी है। जी कुमार रमेश, इसके अलावा अभी सलमान खान को जमानत मिलने में कितनी देरी और लग सकती है, कितनी देर में वो जमानत पर जो है वो यहाँ से रिहा हो जाएंगे कोर्टरूम से भी?
ये देखिए माना जा रहा है कि लंच से पहले पहले उनको जमानत मिल जाएगी, और क्योंकि अभी उनको सजा का ऐलान हो गया, साथ में उनके बेल बॉन्ड और जो उनके गवाह जो उनके लोकल जमानती आए हुए हैं वो उन्हीं के साथ जमानत के लिए अप्लाई कर देंगे, उनको वहीं पर जमानत मिल जाएगी। और बस थोड़ी देर की बात है कि वो कोर्ट से बाहर आकर के और सबको बताएंगे कि उनको बेल मिल गई, और उनके जो वकील हैं वो भी मीडिया से बातचीत करेंगे और पूरी जो कोर्ट की कार्रवाई है उसके बारे में भी स्पष्ट करेंगे। जी, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सलमान खान को आज जमानत कोर्ट से ही मिल जाएगी, इसलिए तमाम तैयारियां जो है सलमान खान के वकील की ओर से पहले ही कर ली गई थी जमानत की। कुमार रमेश, कहीं ना कहीं उम्मीद थी सलमान खान के वकील को कि आज जमानत जो है सलमान खान को कोर्टरूम से ही मिल जाएगी, यानी कि 3 साल से कम जो है सजा सलमान खान को होगी, ये उम्मीद थी उन्हें और इसीलिए पहले से जमानत की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बिल्कुल जी, वो जब कोर्ट में आए थे तो दो कुमार रमेश रोकना चाहूंगी आपको, वाइल्ड लाइफ एक्ट का जो केस सलमान व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध था उसमें सलमान खान को दोषी घोषित कर दिया गया है और अन्य अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। सजा के बिंदु पर अभियोजन को व मुलजिम को सुन लिया गया है और अभी तक सजा सुनाई नहीं है, रिजर्व रखा मैक्सिमम 6 साल की सजा का प्रावधान है इस मामले में। आपने भी 6 साल का, 6 साल का सजा पे फैसला कब तक आएगा? अभी अभी फिलहाल क्या आपकी क्या क्या हमने ये कहा कि अक्यूज के जी कुमार रमेश, तो आपको बता दें कि सलमान खान को 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, सलमान खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है वन्यजीव संरक्षण एक्ट के तहत। और साथ ही यहां पर आपको बता दें कि 1998 का यह पूरा मामला है, 1 अक्टूबर 1998 का, जिसमें 20 साल बाद फैसला इस पूरे मामले में आया, काला हिरण शिकार का यह पूरा मामला था। और साथ ही इस मामले में 5 सितारों के ऊपर जो है आरोप लगे थे, जिसमें सलमान खान को दोषी करार दिया गया है, बाकी 4 को बरी कराया गया और साथ ही 2 साल की सजा सलमान खान को सुनाई गई है। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में आज सलमान खान को दोषी करार दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि सजा का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, सजा का ऐलान कुछ ही देर में हो सकता है और अगर आज सजा का ऐलान नहीं होता है तो सलमान खान को जेल भी जाना पड़ सकता है। सलमान खान की सजा पर आपको बता दें कि बहस खत्म हो गई है, लेकिन सजा का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि 1998 का यह पूरा मामला है और आज 20 साल बाद इस मामले में फैसला आया है, दोषी करार दिया गया है सलमान खान को और इसके साथ ही सजा का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सजा पर बहस जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन सजा का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, सजा का ऐलान कुछ ही देर में हो सकता है और अगर आज इस सजा का ऐलान नहीं होता है तो फिर सलमान खान को एक दिन के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि तो उनका तो स्टैंडर्ड है कि ठीक है भाई, जो कोर्ट फैसला करेगी सर आंखों पर है और उसके बाद एक लीगल प्रोसेस है और अगर छूट जाता है बहुत अच्छा है यहीं, और अगर नहीं होता है तो फिर आगे की एक अदालत है। तो इस पर तो कोई फैसला करने की कोई उसका कोई आवश्यकता ही नहीं है। सलमान से भी बात हुई होगी आपकी? नहीं, देखिए सलमान से हमेशा जब भी बात हुई तो सलमान हमेशा कहते थे कि ठीक है जो भी होगा, यानी हमको अपनी जो कोशिश करनी है भाई लीगल जो लड़ाई है उसमें जो भी, और फिर ऊपर वाले पे छोड़ देना है। तो मुझे कहते थे कि भाई ठीक है अगर मुकद्दर में है तो जो होगा वो, तो वो बिल्कुल कंपोज्ड किस्म का था, यानी इवन सलीम साहब भी। हाँ, लेकिन एक बाप है भाई, मुझे भी, यानी हालांकि उन पर जो बीतती होगी मुझे भी एक सदमा और एक अफसोस है जो भी हुआ है, यानी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हुआ है उसका एक सदमा ज़रूर है। और मैं जो सलमान खान को जानता हूँ, मैं सलमान खान एक्टर को नहीं जानता, मैं सलमान खान सुपरस्टार को नहीं जानता, मैं सलमान खान जो इंसान है जो मैंने 11 साल 12 साल जो देखा है, तो वो जो खूबियाँ हैं उसकी जो एक इंसान की हैसियत की वो ज़बरदस्त हैं, वो नुमाया हैं, जो मैंने क्वालिटीज़ उसमें देखी, लोगों का दर्द, लोगों के लिए गम। कुछ चैनल वाले ये भी चलाते हैं कि साहब मेक ओवर किया गया है सलमान का, तो मैं कहता हूँ कि भाई एक्टिंग नहीं हो सकती,
यानी किसी गरीब की मदद करने में आप एक बार एक्टिंग करो, दो बार करो, रोज़ाना आप जाइए, 100 से ज़्यादा लोग खड़े होते हैं जिनको 8-9 लाख रुपए के चेक लिखे जाते हैं। जहाँ मैंने देखा कि सलमान के सामने कभी भी किसी की तकलीफ़ की बात आई तो इमीडिएटली वो रिएक्ट करके मदद, तो ये सब चीज़ मेकओवर से नहीं हो सकती, ये अंदर होती है और ये ख़ानदान में होती है, जो सलीम साहब में है या उनकी मदर में जो है वही चीज़ सलमान में ट्रांसलेट हुई। ये ज़िंदगी में हादसा जो जो आज जो फैसला हुआ, 20 साल पहले जवानी थी या उस वक्त आदमी का एक वो था, लेकिन हमेशा से सलमान जो है दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ये